उनके संस्थापक दासिन संप्रदाय के महान योगी श्री गुरु अमरनाथ जी महाराज का हर वर्ष नृत्य वहाँ की पूजन मनाया जाता है और इस वर्ष ये तिथि 21 मार्च को मनाई है। इसके लिए सभी तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं और इसका मुख्य आकर्षण दरबार साहिब का पश्चिमी द्वार है। वहाँ पर एक विशाल चबूतरा बना है, उसमें एक विशाल का झंडा और से होता है। जो झंडा है ये साल के वृक्ष का बनाया जाता है और इसकी लंबाई लगभग 100 फुट के आसपास है। राम राय महाराज जी दी साजी नवाजी गुरु राम राय जी के पावन पवित्र दरबार में सजी इस पंडाल में समूह साध संगत आप सारयां अज दे स्वामी विवेकानंद जो राष्ट्रीय वार्ड है सारिया संगत इस तरह बैठिया रहनगियां। महाराज का हुक्म है, गुरु महाराज महाराज के है ही नहीं यार, दिखे नहीं इस वेट तरह का नशा हमारे जीवन में न हो। शराब, मदिरा और ड्रग्स जो भी नशीली चीजें होती हैं, अभी मैं पंजाब के लोगों से बातचीत करता रहता हूं, पंजाब में हमारी जो युवा पीढ़ी है उनमें ड्रग्स का प्रचलन बहुत ज्यादा चल रहा है और ये हमारे बच्चों को खोखला बना रहा है। कुछ ऐसी एंटी सोशल शक्तियां हैं जो मुनाफा कमाने के लिए, अपने व्यापार करने के लिए हमारी जो बहुत ही कच्ची उम्र के बच्चे हैं उनको इस आदत में डलवा देते हैं। तो माता पिताओं से ये मेरी विनती है, अपील है कि अपने बच्चों की देखभाल करें और उनको कोई भी ऐसी गंदी आदत, बुरी आदत न लगे। और आप देखते हैं कई परिवारों में अगर कोई शराब पीता है, मदिरा का सेवन करता है तो कितनी अशांति रहती है, कई घर तबाह हो जाते हैं, झगड़े हो जाते हैं और जितने भी क्राइम अपराध होते हैं उसके पीछे कहीं ना कहीं इनका प्रभाव रहता है। तो जो लोग इस आदत में हैं उनसे मैं विनती करूंगा कि आप गुरु महाराज का ध्यान करके धीरे धीरे जो है इस आदत से छुटकारा पाए। यहाँ पे गुरु महाराज उसको पूरा करेंगे। जिनके मन में कोई भी कष्ट हो, परिवार में कोई भी दिक्कत हो, कोई काम नहीं बन रहा हो, उसके लिए मैं अभी दरबार साहिब में जाकर आप सब के लिए अरदास कर दूंगा। गुरु महाराज आपके जीवन को सफल करे। संत बड़िया बड़भागिया ने हूँ इन्हों पहले तरह तक
झंडा मेला देहरादून के संस्थापक और उदासीन संप्रदाय के महान योगी श्री गुराम राय जी महाराज के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में हर वर्ष चैत्र माह की पंचमी को मनाया जाता है और इसमें हमारी लाखों की संख्या में संगतें पंजाब से, हरियाणा से, हिमाचल से, राजस्थान से और उत्तर भारत के कोने कोने से और विदेशों से भी जो गुराम राय जी महाराज के अनुयायी हैं वो आते हैं। और ऐसी मान्यता है, ऐसा हमारा दृढ़ विश्वास है कि जो भी दरबार साहिब में इस अवसर पर मत्था टेकता है उसकी हर मनोकामना पूर्ण होती है। ये परंपरा सन 1676 से चली आ रही है। श्री गुराम राय जी महाराज पंजाब से देहरादून में आ गए थे, उन्होंने इस स्थान को अपनी तपस्थली बनाया, यहाँ पर उन्होंने तपस्या की और तब से ये परंपरा निरंतर चली आ रही है। यहाँ पे डेरा डाला दून घाटी में, दून घाटी में उनके डेरा डालने से इसका नाम देहरादून पड़ा।
जो तेरा रंग रा
Thank you.
Thank you.
जन्म दिवस के उपलक्ष्य में अभी विशाल का यह झंडा रोहण हुआ। इसका दृश्य बड़ा अलौकिक होता है और सुबह हमने 8 बजे पूजा अर्चना के बाद जो वर्तमान में स्थित झंडे जी थे उनको उतारा गया संगत की सहायता से, और उस पर जो ध्वज दंड होता है उसका गंगा जल से स्नान कराया गया, उस पर रंगीन वस्त्रों का आवरण जिनको गिलाफ कहते हैं वो चढ़ाया गया, और इनकी संख्या जो 3 तरह के गिलाफ होते हैं वो सबसे अंदर सादा मार्किन का होता है, ये 11 चढ़ते हैं, उसके बाद 21 हमारे शरीर के गिलाफ होते हैं, और जो सबसे बाहरी गिलाफ होता है दक्षिणी गिलाफ इसकी संख्या 1 होती है, और इसके लिए जो बुकिंग है अग्रिम बुकिंग वो 2098 तक हो चुकी है, तो इसकी बड़ी महत्ता है। जिन संगत की मन्नतें पूरी होती हैं उनके द्वारा ही चढ़ाया जाता है। तो अभी आपने देखा आस्था का सैलाब, हमारी संगत जो है बहुत बड़ी संख्या में गुरु महाराज के जन्म दिवस को मनाने के लिए यहाँ पर आई है। 368, हाँ ये 368वां जन्म दिवस गुरु महाराज का है। सन 1646 में उनका जन्म हुआ था, और सन 1676 में उन्होंने इस स्थान पर अपना डेरा डाला, और जिसके कारण यहाँ का नाम देहरादून पड़ा उनके डेरा डालने से दून घाटी में, और तब से ये परंपरा निरंतर चली आ रही है। ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰੋਪੜ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਆਏ ਜੀ। ਲਖਵੀਰ ਸਿੰਘ ਸਾਰੀ ਪੀਲੀਆਂ ਪੁਸਤਾ ਜੀ ਇੱਥੇ ਦੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ, ਪੀਣਾ ਮੈਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਇੱਧਰ ਦੇ ਆਉਂਦੇ। ਝੰਡਾ ਮੇਲਾ ਗੁਰੂ ਰਾਮਰਾਏ ਦੇ ਜਨਮ ਦਿਵਸ 'ਤੇ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਉਰੇ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗੀ, ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਰਾਏ ਜੀ ਨੇ ਧਰਮ ਪਾ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਭੇਦਭਾਵ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ, ਸਭ ਉਰੇ ਸੰਗਤ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਜੇ ਹੁੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸ਼ਰਧਾ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਦੇ ਆ ਗਏ ਇੱਥੇ। ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਉਦੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਾਲਾਤ ਮਾੜੇ ਸੀਗੇ, ਪਰ ਹੁਣ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਹੁਤ ਬਿਹਤਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਾਲਾਤ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਜਿੱਦਾਂ ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੂੰ, ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਰਹਿਣ ਸਹਿਣ ਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਹਰੇਕ ਤਕਰੀਬਨ ਹਰੇਕ ਜਗ੍ਹਾ ਰਹਿਣ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਹੈਗੀ, ਖਾਣੇ ਪੀਣੇ ਦੀ, ਰੁਕਣ ਦੀ, ਰਹਿਣ ਸੌਣ ਦੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਜਾ ਕੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਹਤਰ ਹੋ ਗਏ। ਝੰਡਾ ਜੀ ਬਾਬਾ ਰਾਮ ਰਾਏ ਜੀ ਦੇ ਜਨਮ ਦਿਨ 'ਤੇ ਸ਼ੁਭ ਅਵਸਰ 'ਤੇ ਚੜ੍ਹਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਸੋਨੀਆ ਫਗਵਾੜਾ, ਜੋ ਖਾਏਗੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈਕਰ ਵੋਹੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਜਿਤਨਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਮਿਲ ਜਾਏ ਬਹੁਤਾ ਮਿਲ ਜਾਏ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕੇ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਕੇ ਹਿਸਾਬ ਸੇ ਔਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਤੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕੁਛ ਬੋਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਾਊਂਗੀ। ਵੋ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਹੈ, ਕੁਛ ਲੋਕ ਗਰੀਬ ਹੈ ਜੋ ਪੜ੍ਹ ਨਹੀਂ ਪਾਤੇ, ਉਨਕੇ ਲਈ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਸੁਵਿਧਾ ਕਰ ਰੱਖੀ ਹੈ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਹੈ। ਤੋ ਲੋਕ ਅਨਪੜ੍ਹ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੇ। ਆਹ ਥੈਂਕ ਯੂ।
संगत का दरबार परिषद में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। और आप सबको झंडे जी चढ़ने की लख लख बधाइयां। कल शाम को 4:07 पर आप सब संगत की गरिमामय उपस्थिति में झंडे जी का आरोहण हुआ और इस दृश्य का, इस क्षण का आप सबको साल भर इंतजार रहता है। तो आप लोग पुण्य के भागी बने, सब लोग बड़भागी बने करके दिन में, और गुरु महाराज हमें ये अवसर जिंदगी में बार बार दे। जो झंडे जी का आरोहण होता है, ऐसी परंपरा दुनिया में और कहीं नहीं होती है। कल एक मीडिया के भाई मुझसे पूछ रहे थे कि जो ये ध्वज दंड होता है, ये लकड़ी का कितने टुकड़ों को मिलाकर बनाया जाता है। हाँ, उनको जानकारी नहीं होती है कि इतना भारी भरकम विशाल का है झंडे भी एक ही होंगे। तो इसके बारे में मैंने उनको बताया कि साल भर पहले से जो हमारी संगतें हैं, दरबार साहिब के हमारे कार्यकर्ता हैं, वो यहाँ से 20-25 किलोमीटर दुल्ली का जंगल है, घनघोर जंगल है, वहाँ पर जो साल के वृक्ष होते हैं, बहुत ही मजबूत वृक्ष माना जाता है साल का, उसका चयन किया जाता है। जो सीधा वृक्ष होता है और जिसकी लंबाई 90 फुट से ऊपर होती है, उसका चयन करके और उसका बहुत ही सावधानी पूर्वक उसका पाचन, उसको काटा जाता है, नीचे उसको गिराया जाता है। उसके बाद हमारी संगतें उसको छीनती हैं और एक निश्चित माप उसका होता है, मेजरमेंट जो है ऊपर से लेकर नीचे तक। और उसको हमारा मथुरा वाला एक स्कूल है, यहाँ से 10 किलोमीटर दूर, वहाँ पे उसको तैयार किया जाता है। जो दरबार साहिब के हमारे मिस्त्री हैं वो उसको तैयार करते हैं, उसको बहुत डिफाइन करते हैं। उसके बाद हमारी संगत मेरे से 3-4 दिन पहले आकर उसको अपने कंधों में लाती है, और यहाँ की स्थानीय जनता, पत्रकार बंधु ये विश्वास कर नहीं पाते हैं इतने भारी भरकम झंडे जी को संगत कैसे अपने कंधों पर लाती है। तो ये आपकी आस्था है, ये भक्ति है कि जो आप में इतनी ऊर्जा का संचार होता है। अकाल मूरत अजुनी सेवम गुरुप्रसाद जप आसत युवासत है भी सत नानक प्रसिद्धि सत। लेकिन हमारा मन अननेसेसरी परेशान हुआ, तो अगर आप गुरु मंत्र का जाप करते रहेंगे तो जीवन में आप लोग पॉजिटिव होंगे और अच्छा सोचेंगे। इसके लिए कुछ सावधानियां, कुछ नियमों का पालन करना जरूरी है। एक तो सबसे पहले शाकाहारी बने, वेजिटेरियन, किसी तरह का मांस मीट वगैरह न, क्योंकि मैंने परसों में बताया था हमारे जो शरीर की बनावट है।